चंद पैसों की लालच और लापरवाही किस तरह भारी पड़ सकती है। इसी की एक बागनी बुधवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में देखने को मिली, जहां दो दिन पहले आए कथित किरायेदार दंपति ने मकान मालिक के 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला पुष्कर स्थित देवनगर रोड का है, जहां दो दिन पहले जितेंद्र रेगर के मकान में किराए से रहने के लिए कथित आरोपी मुकेश और उसकी पत्नी आए। बुधवार सुबह जब जितेंद्र ने अपने बेटे 10 वर्षीय भरत और किराएदारों को मकान में नहीं पाया तो उसके होश उड़ गए। इस पर जितेंद्र ने घटना की सूचना पुष्कर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश मीणा ने मामले की जांच शुरू कर दी। बच्चे की मां प्रेम देवी ने बताया कि भरत के लिए कथित आरोपी दंपति लड्डू लाए थे और भरत को लड्डू खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुष्कर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। क्या क्या कैसे पता चला कि कैसे पता चले वे कि मैं कोई मुहूर्त करके आ रही हूँ के हाँ। और ना धो के दूसरा कमरा और लिया जो बटन ना बजा रही हूँ के हाँ। जो पाचे आ जाओ और हमारे यानी हमारे लुगाई गया नहीं भाई बोझे है जो डिलीवरी में है जो बे रही और मैं जो बट रहा हूँ दो दिन में बट रहा हूँ पच बहन और मकान दिला दिया। बच्चे को कुछ मीठा लालच मीठा लड्डू में करते बाहर से खुआ के लेके आई है। अच्छा। बाहर से पहले खुआ के लेकर आए बाद में घर में सबने बटवाई है। कितने समय से किराए पे रह रहे हो? बेखाल दो दिन हुए। कौन कौन है कितने जने थे? खाल दो जने आदमी को नाम तो मुकेश बता रहे लुगाई को नाम बताइए। मुकेश पूरा नाम का ही है? पूरा नाम मुकेश ही बताइए मानो तो।